तो अब तक आपको इस बात का पता चल गया होगा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि उनका जाना ईरान के लिए आखिर क्या मायने रखता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रईसी को लेकर ये तक कहा जाता है कि उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बनाए जाने की पॉसिबिलिटी थी। अभी फ़िलहाल आयतुल्लाह खमेनेई ही है। हालांकि उनकी मौत के बाद अब उनकी जगह ईरान के उपराष्ट्रपति को देश की कमान दे दी जाएगी और देश में नया राष्ट्रपति चुनने के लिए ईरान को अगले 50 दिनों के भीतर चुनाव भी कराने होंगे। ऐसे में अमेरिका और इसराइल से संभवतः सबसे बुरे रिश्तों के दौर में रईसी का जाना ईरान के लिए क्या मायने रखता है, उसी पर बात करेंगे इस स्टोरी में। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रईसी की मौत एक ऐसे समय हुई है जब ईरान बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ईरान को आर्थिक संकट का तो सामना करना ही पड़ रहा है। ईरान की जो जनता है उसमें बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है। वहीं अमेरिका से लेकर इसराइल तक के साथ ईरान के रिश्ते बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आलम यह है कि ईरान और इसराइल ने हाल ही में पहली बार एक दूसरे पर सीधा हमला किया। हालात ऐसे हैं कि पिछले 2 सालों से ईरानी करेंसी लगातार गिरते हुए अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देश में पानी का भी भारी संकट बना हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं है, देश को 1979 में उनके यहाँ हुई क्रांति के बाद के सबसे बड़े आतंकी हमले का इस साल सामना करना पड़ा। जनवरी में हुए इस हमले में 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इस्लामिक स्टेट ने इन हमलों का जिम्मा लिया था। वहीं इसी साल मार्च में ईरान में जब संसद के चुनाव हुए तो लाखों लोगों ने इन चुनावों का बहिष्कार किया। ऐसी चीज़ों को बद से बदतर बनाने का काम कर रही हैं वो पाबंदियाँ जो अमेरिका ने ईरान पर लगा रखी हैं। अमेरिका ने ईरान पर ये पाबंदियाँ उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से लगा रखी हैं। हाल ही में जब भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट की डील हुई तो अमेरिका ने फिर से पाबंदियों की बात की थी, कहा था कि ऐसे डील्स पे सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। रिकॉर्ड तोड़ते हुए ईरान में महंगाई 30 साल पिछले 30 साल के हाईएस्ट है और लोगों के लिए ज़िंदगी चलाना मुश्किल हो रही है। ऐसे हालात भी नज़र नहीं आते कि ईरान की पश्चिमी देशों के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई डील हो जाए जिससे इस देश के लोगों को राहत की सांस लेने का मौका मिले। इस देश के साथ सिर्फ इतनी ही समस्या नहीं है। आपको याद होगा कि 2022 में हिजाब को लेकर ईरानी पुलिसिंग की वजह से महसा अमीनी नाम के एक महिला की पुलिस स्टडी में मौत हो गई थी। इसके बाद हिजाब के विरोध और बाल खुले रखने को लेकर जो प्रदर्शन हुआ उसकी वजह से ईरान हिलकर रह गया और ईरान को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़े जिसमें कई लोगों की जानें चली गई। वहीं अगर ईरान और इसराइल के रिश्तों की बात करें तो ईरान पर हमास को सपोर्ट करने के भी एलिगेशंस लगते रहे हैं। एलिगेशन इस तरीके के भी लगे हैं कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर जो हमला किया था उसके पीछे ईरान का ही हाथ था। इस हमले से जुड़ी जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने 35,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं ईरान पर आरोप ये भी रहे हैं कि वो इसराइल के खिलाफ हिजबुल्ला से लेकर हुती जैसे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करता रहा है। हालांकि ईरान इन तमाम आरोपों को नकारता आया है। ऐसे में अभी जब गाजा पर लगातार इसराइल के हमले हो रहे हैं तो देखने वाली बात होगी कि अपने राष्ट्रपति के निधन के बीच ईरान इसमें किस तरीके की भूमिका निभा पाता है। इतना ही नहीं है, आपको याद होगा कि अप्रैल महीने में इसराइल ने सीरिया में जो ईरान की एम्बेसी थी उसको टारगेट किया। इसमें ईरानी ऑफिशियल्स के साथ साथ ईरानी नागरिक भी मारे गए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स की बारिश कर दी। हालांकि इसकी वजह से ईरान के ऐसे हमले की वजह से इसराइल का कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ। वहीं ईरान के ऐसे हमले के बाद उनके न्यूक्लियर साइट वाले शहर नातांज नाम का एक शहर है उस पर हमला हुआ था। इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार माना गया। इसराइल के अलावा अमेरिका के साथ भी ईरान लगातार कन्फ्रंटेशन की पोजिशन में रहा है पिछले कुछ सालों से। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति की मौत के पहले से ईरान काफ़ी बुरी स्थिति में रहा है। ऊपर से बड़ा सवाल यह है कि न सिर्फ रईसी की जगह बल्कि 85 साल के हो चुके ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई की जगह कौन लेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और देश को संकट के इस दौर से निकालने की जिम्मेदारी किसकी होगी, इस देश का फ्यूचर क्या होगा, इन्हीं सवालों के साथ इस स्टोरी को समाप्त करते हैं। ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।